हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सनराइज़ ज्ञान सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। देखिए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ को समझना। अगर आप किसी चीज़ को बढ़िया से समझते हैं तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेन यहाँ पर समझिए, हम तो कहते हैं कि याद करने से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों को वृद्धि करने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों को वृद्धि करने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत होती है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों को शरीर, जैसे मनुष्य का शरीर, ठीक है, इसको वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए। इसको वृद्धि करने के लिए रोटी चाहिए, मतलब भोजन चाहिए, और वैसा भोजन जो जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, ठीक है, विटामिन हो, वैसा चीज़ चाहिए। तो उसी तरह से पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों को वृद्धि करने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत होती है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। अब पादप हार्मोन पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है। तो नंबर एक में है ऑक्जीन, ठीक है, नंबर एक में है ऑक्जीन। नंबर दो में है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, थोड़ा नाम टेढ़ा है, याद करने में दिक्कत होगा। तो नंबर एक में है ऑक्जीन, नंबर दो में है जिब्रेलिन्स, नंबर तीन में है साइटोकाइनिन, नंबर चार में है एब्सिसिक एसिड और नंबर पाँच में है एथिलीन। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव हम आपको इसी के रिलेटेड में बता दिए हैं कि फल पकाने वाला एथिलीन हार्मोन होता है। फल किस हार्मोन से पकता है? तो वो है आपको एथिलीन हार्मोन। ठीक है, तो हमें आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।